नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आप लोग के बीच नंबर सिस्टम के कुछ सवाल लेके आया हूँ जो सिंप्लीफिकेशन में भी आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है, जैसे रूट अंडर 72 अप टू इन्फिनिटी तक, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम। इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा मेथड है सर, लेकिन एक बेसिक मेथड है जो बराबर x मान के हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन उतना हम लोग को नहीं करना है। बनाने के लिए एकदम शॉर्टकट नियम इस्तेमाल करना है, शॉर्टकट मतलब एकदम शॉर्टकट, कुछ नहीं करना है। देखते के साथ इसके आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं। जैसे कैसे, देखो क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 72, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि डिफरेंस 1 का हो, ऐसा तोड़ना है कि अंतर कितने का हो, 1 का, ऐसा तोड़ना है कि अंतर कितने का हो, 1 का। तो 8 नामा 72। अब देखिए कि पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव, अगर पॉजिटिव साइन है तो आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। इसको ऐसा तोड़ना है सर, 8 नामा 72 है ना, 8 9 72, कुछ नहीं करना है। यहाँ एक छोटा, दोनों का ऐसा तोड़ना है कि डिफरेंस 1 का हो, है डिफरेंस 1 का है, कुछ नहीं करना है। अगर पॉजिटिव है तो आंसर बड़ा वाला, नेगेटिव है तो आंसर छोटा वाला, पॉजिटिव है आंसर बड़ा वाला, आंसर मार दीजिए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर। जैसे एक क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, देखो जैसे रूट अंडर 132 132 132 132, ये अप टू इन्फिनिटी तक, कैसे बनाएंगे इसको, ऐसा इसको ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि डिफरेंस 1 का हो। तो 11 गुना 12 132 है ना, 11 और 12 को तोड़ेंगे तो 132 तो आना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है सर, बड़ा है तो 12 और छोटा है 11, दोनों का अंतर कितने का, 1 का। पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव है तो आंसर छोटा वाला हो जाएगा। समझ में आया सर, कुछ नहीं है सर, बहुत आसानी से बन गया। ऐसा तोड़ना है कि अंतर 1 का हो, तो 8 9 72, अगर पॉजिटिव साइन है तो आंसर बड़ा वाला, और यहाँ पर 11 गुना 12 नेगेटिव साइन है तो आंसर छोटा वाला सर। हाँ, ये इन्फिनिटी तक होता है, ये सीरीज कोई भी सीरीज जो होता है वो इन्फिनिटी तक होना ही चाहिए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, रूट अंडर 7 7 7 7 अप टू इन्फिनिटी तक, अब बताइए यहाँ पर क्या है कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना तो प्लस है और ना तो माइनस है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं करना है सर, जो लिखा रहेगा वही आंसर होगा। अगर ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी कि जो लिखा रहेगा वही आंसर मार देंगे हम लोग। समझ में आया, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ये तो अनकाउंटेबल था इन्फिनिटी तक तक, तो ऐसा भी होता है कभी कभी काउंटेबल हो जाता है, काउंटेबल मतलब जिसका गिनती हो, कभी कभी एग्जाम में वैसा दे जाएगा। जैसे देखो रूट अंडर 3 3 3 3 3, ये इन्फिनिटी तक नहीं देगा। अगर सीरीज इन्फिनिटी तक नहीं होगा तब क्या करेंगे, सीरीज इन्फिनिटी तक नहीं होगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, है ना, कुछ नहीं करना है। सीरीज इन्फिनिटी तक होगा तो कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 का पावर 5 करेंगे, 2 का पावर 5 क्या होगा, 32, इसको काउंट कर दिए 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 32, तो यहाँ पर इसको 1 कम कर देना है, 3 का पावर 31 बटा 32, यही आंसर हो गया। जैसे मान लिया जाए, देखिएगा रूट अंडर 5 5 5, तो सबसे पहले तो 5 लिख देंगे कन्फर्म है, ये काउंटेबल है, गिनती होगा, गिनती होगा तो इसको गिनना शुरू करेंगे, गिनना शुरू करेंगे आपका काम हो जाएगी, नहीं 1 2 3, 3 पीस है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 का पावर 3 करेंगे, 2 का पावर 3 क्या होगा, 8, 1 कम करिए 5 का पावर 7 बटा 8, बस समझ में आया। उसी तरह से जैसे देखिए मान लिया जाए आपके पास रहे 7 7 7 7, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7, काउंट करना शुरू कीजिए 1 2 3 4, काउंट कर लिए 4 पीस, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 क्या होगा, 16, कुछ नहीं करना है, एक कम करके लिख देना है 15 बटा 16, 7 का पावर 15 बटा 16, हो गया, क्लियर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
सर ये चारों क्वेश्चन बहुत आसान था, इसको आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो टूट नहीं पाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो टूट नहीं पाता है तो उस केस में क्या करेंगे? वहाँ चार केस आता है सर। जैसे पहला एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x प्लस कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। x प्लस वन। दूसरा है x माइनस कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तीसरा है सर x प्लस x माइनस। कभी कभी ऐसा भी आएगा x माइनस x प्लस, इस तरह से चलेगा। ध्यान दीजिए सर, चार केस बन रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, चार केस बन रहा है, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव। अगर सिर्फ पॉजिटिव रहे तो बस फॉर्मूला याद रखना है, √4x + 1। सिर्फ निगेटिव भी रहे तो √4x + 1। सिर्फ पॉजिटिव रहे तभी 4x + 1, सिर्फ निगेटिव रहे तभी 4x + 1। अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे तो 4x - 3, पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे तो 4x - 3, बस इसको याद रखना है सर। सिर्फ पॉजिटिव रहे तो √4x + 1, सिर्फ निगेटिव रहे तो √4x + 1, पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे तभी 4x - 3। अगर प्लस से स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं करना है, +1/2। अगर माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो -1/2। अगर प्लस माइनस दोनों प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो +1/2, और माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो -1/2। ये फॉर्मूला है सर, ध्यान दीजिए। नहीं, ये √4x + 1, बस √4x - 3। अगर सिर्फ पॉजिटिव रहे तो 4x + 1, सिर्फ निगेटिव भी रहे तो 4x + 1, लेकिन दोनों रहे पॉजिटिव निगेटिव दोनों तो 4x - 3। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट है +1/2, निगेटिव से स्टार्ट है -1/2, पॉजिटिव से स्टार्ट है +1/2, निगेटिव से स्टार्ट है -1/2। ये चारों फार्मूला है सर, इस फार्मूला पे हम किसी भी प्रश्न को बहुत आसानी से बना सकते हैं, वैसे प्रश्न जो ना टूटे। जैसे देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा सर, ज़्यादा बेहतर होगा, अगर नोट कर लेते हैं तो आगे के लिए आसान हो जाएगा सर, है ना? बहुत जरूरी है समझने का कोशिश करना। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप समझ जाओगे, बहुत बेहतरीन सवाल है सर। जैसे एग्जाम में आता है √3 + 3 + 3 + 3 + 3 + अब बताओ क्या सर इसको तोड़ पाओगे? ऐसा तोड़ना कि डिफरेंस 1 का हो जाए, वो टूटेगा ही नहीं। तो फॉर्मूला आपको हम क्या दिए थे, √4x + 1, अगर पॉजिटिव है तो +1/2, कुछ नहीं, x का वैल्यू पुट कर लीजिए 3, x के जगह क्या पुट कर लेना है हम लोग को, 3 पुट कर लिए, +1/2, 4 × 12 = 13, √13 + 1/2, बस समझ में, 4 × 13 + 1/2 बन गया, कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि निगेटिव देगा, तो निगेटिव भी देना का तो घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक प्रश्न लिख रहे हैं, ध्यान देने का कोशिश करना है, √5 - 5 - 5 - 5 - up to infinity तक। अब देखिए यहाँ निगेटिव है सर, यहाँ क्या है, निगेटिव, कुछ नहीं करना है आपको, हम फार्मूला दिए 4x + 1, और निगेटिव है तो -1/2। अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, 5, x बराबर क्या पुट कर लेना, 5, तो 4 × 5 + 1 - 1/2, तो 4×5 = 20, 21, √21 - 1/2 बन गया। नहीं, अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो, क्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो तो हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे। जैसे देखिए, समझने की कोशिश करना है, अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो, जैसे 4 प्लस
फोर माइनस फोर प्लस फोर माइनस। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पर क्या है, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, दोनों साइन है, फोर एक्स माइनस थ्री, यहाँ तक तो सही है। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट है तो प्लस वन अपॉन टू, क्लियर। तो चलो हम लोग बनाते हैं रूट अंडर फोर इंटू फोर माइनस थ्री, एक्स बराबर हम फोर ले लेंगे, एक्स बराबर क्या लेंगे फोर, प्लस वन बाई टू, तो सोलह में से तीन जाएगा तेरह, प्लस वन बाई टू, आंसर सेम आ गया। तो आप सोचिए कि नहीं वही फार्मूला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फार्मूला अलग है, दो क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है, जैसे बारह दो क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो उतना सोचने वाली बात नहीं है, बस फार्मूला को याद रखना है, फार्मूला के बेस पे ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, बोलिए सर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, सोचिए सोचिए इसको कि बनेगा या नहीं बनेगा क्वेश्चन आप, हाँ टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टूट जाए उसको भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जो प्रश्न टूट जाए उसको भी हम लोग उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो टूट जाए वो तो डायरेक्ट बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जब परेशानी कहाँ होती है जब नहीं टूटे तब। अब जैसे थ्री माइनस थ्री माइन प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस इस तरह से जा रहा, तो आप देख रहे हो कि निगेटिव पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव हो तो फोर एक्स माइनस थ्री तो आपको लगाना ही है हर हाल में, लेकिन अगर निगेटिव से स्टार्ट है तो निगेटिव वन बाई टू, अगर निगेटिव से स्टार्ट है तो निगेटिव वन बाई टू। अब एक्स का वैल्यू हम क्या पुट कर लेंगे, थ्री पुट करो, फोर इंटू थ्री माइनस वन बाई टू, चर्तिया बारह में से तीन जाएगा नौ, चर्तिया बारह में से तीन जाएगा नौ माइनस वन बाई टू, रूट नौ का वैल्यू थ्री माइनस वन बाई टू वन, समझ आया बात, चलिए ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्लस टू रूट टेन का वर्गमूल ज्ञात करें, सेवन प्लस टू रूट टेन का वर्गमूल ज्ञात करें, यानी कि रूट अंडर सेवन प्लस टू रूट टेन है ना, कुछ नहीं करना है इसमें, करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि इसको टेन को तोड़ देना है, ऐसा तोड़ना है कि सेवन आ जाए, तो रूट फाइव और रूट टू सेवन है, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, रूट टू का स्क्वायर टू, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, रूट टू का स्क्वायर टू, क्या फाइव टू सेवन हो रहा है, रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर पच्चीस आएगा, इसका मतलब पाँच हो गया, रूट अंडर फोर का स्क्वायर करेंगे तो टू फोर, रूट अंडर टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, रूट फोर आएगा, रूट फोर का मतलब क्या हो गया टू, तो रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो रूट पच्चीस इसका मतलब पाँच, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो रूट फोर इसका मतलब टू, तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, रूट टू का स्क्वायर टू, क्या फाइव टू सेवन आ रहा है, आ रहा, दो यहाँ छोड़ देना, दो क्या कर देना है छोड़ देना, दो छोड़ने के बाद आप देखिए यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव साइन लगा देना आंसर। अब जैसे मान लीजिए आपके पास रहे इलेवन प्लस टू रूट थर्टी, इलेवन प्लस टू रूट थर्टी, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, सबसे पहले क्या तोड़ना है, टू छोड़ देना है, तो रूट सिक्स और रूट फाइव, छः बचे तीस, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, छः और पाँच ग्यारह, पॉजिटिव साइन है आंसर पॉजिटिव। अब जैसे हम कह दें रूट अंडर फाइव माइनस टू रूट टेन, फाइव माइनस प्लस टू रूट सिक्स, बोलिए सर फाइव प्लस टू रूट सिक्स, क्या छोड़ना है, दो छोड़ देना है, रूट थ्री और रूट टू, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट टू का स्क्वायर टू, थ्री टू फाइव, कैसा साइन, पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव लिख देना है, बस हो गया। नहीं अब जैसे मान लिया जाए सेवन प्लस फोर रूट थ्री, क्या छोड़ना है हमको, क्या छोड़ना है बताओ, टू छोड़ देना है, क्या छोड़ना है, टू, टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, फोर और थ्री सेवन, बस सिर्फ प्लस लिख देना, आंसर आ गया हमारा।
नहीं अब कह दे 3 माइनस रूट फाइव क्या बना पाएंगे? यहां दो छोड़ने के लिए है नहीं, तो सबसे पहले दो छोड़ने के लिए लाएंगे तो क्या करेंगे, दो से गुना और दो से भाग कर लेंगे, दो से गुना दो से भाग तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 2 रूट 5 अब बटा 2, इसको लिखेंगे रूट अंडर 6 माइनस 2 रूट 5 अब बटा में रूट 2, अलग अलग कर ली, दो छोड़ दीजिए सर, अब इसको तोड़िए रूट 5 और 1 में टूटेगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 और 1 6, माइनस का साइन है बस माइनस लगा दीजिए, नहीं आया समझ में, दो छोड़ने के लिए हर हाल में चाहिए ही चाहिए। अच्छा बताओ रूट अंडर 11 माइनस 2 रूट 30 बोलिए बना पाएंगे, क्या तोड़ेंगे बताओ, दो छोड़ देंगे 6 बचे 30, रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 5 का स्क्वायर 5, 6 और 5 11, निगेटिव साइन है निगेटिव लगा दीजिए बस, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाना है, निगेटिव है तो निगेटिव लगाना है, समझ गया बात। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन आता है सर 1 by 20, 1 by 30, 42, 56, 72, 90, 110, 132। अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना सकते हैं बहुत इजीली। सबसे पहले बड़ा वाला को तोड़िए 1 बटा 12 को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 1 बटा 3 × 4 लिख सकते हैं। अब क्या सर इसको लिख सकते हैं 1 by 3 - 1 by 4, टेंशन हो गया क्यों सर, लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसके एलसीएम लेंगे तो 3 से 3 खत्म 4, 4 से 4 खत्म 3, यानी 1 by 12 सेम चीज आ रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो बस कुछ नहीं करना है 1 by 3 - 1 by 4, 4 5 20, 1 by 4 - 1 by 5, 5 6 30, 1 by 5 - 1 by 6, 6 7 42, 78 56, 8 9 72, 9 10 90 और 11 10 और 11 और 11 और 32 12, नहीं ये पॉजिटिव नेगेटिव सब कटता चला जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा 1 by 3 - 1 by 12। अब एलसीएम ले लो 3 से कितनी बार में 4, 12 कितनी बार में 1, तो 3 by 12 काटेंगे सर 1 by 4, लेकिन इतना नहीं करना है सर, शॉर्टकट बनाना है, इतना नहीं करना है, क्या करना है शॉर्टकट बनाना है, 1 by gap first - last, 1 by gap first - last, तो 1 by 12 को तोड़ेंगे तो 3 × 12 गैपिंग कितने का है 1 का, 12 को तोड़ेंगे तो 1 by 3 और 4, तो 1 by gapping कितने का है, पहला टर्म कौन है, पहला कौन है 1 by 3, और इसको तोड़िए 11 × 12 तो लास्ट में कौन जाएगा 12, तो 1 by 1 एलसीएम लेंगे तो 1 by 1 3 by 12 कटेगा तो 1 by 4, समझ में आया, तो 1 by gap 1 by gap। अब जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे 1 by 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11, 11 × 13, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 by 3 × 5 बोलिए सर, तो सबसे पहले 3 और 5 में गैपिंग कितने का जा रहा है बताओ 2 का, तो 1 by gap first - last,
वन बाई गैप कितना है बताओ, दो का पहला टर्म कौन है, वन बाई थ्री, और लास्ट टाइम बताओ वन बाई थर्टीन। एलसीएम ले लीजिए, वन बाई टू, थर्टीन इंटू थ्री, थर्टीन माइनस थ्री, वन बाई टू, टेन बाई थर्टीन इंटू थ्री, टू से कितनी बार है फाइव, तो फाइव बाई थर्टी नाइन। समझ में आया, कुछ नहीं है सर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर